नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत टुडे और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर सीधे फटाफट खबरों की ओर। कंगाल पाकिस्तान ने नहीं चुकाया पैसा, मलेशिया ने जब्त किया सरकारी प्लेन, इस्लामिक दोस्त ने की बेइज्जती। महाराष्ट्र के परभणी में मॉब लिंचिंग, ग्रामीणों ने बकरी चोर समझकर तीन सिख बच्चों को पीटा, एक की मौत। महाराष्ट्र में अब किसानों को मिलेंगे 12,000 रुपए सालाना, शिंदे सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान निधि को दी मंजूरी। पहलवानों ने किसान नेता नरेश टिकेट को सौंपे मेडल, सरकार को दिया 5 दिनों का अल्टीमेटम। एनसीईआरटी की 12वीं किताबों से हटा खालिस्तान की मांग का चैप्टर, शिक्षा मंत्रालय ने किया ऐलान। मणिपुर हिंसा का 15 दिन में निकलेगा समाधान, शांति भंग करने वालों की खैर नहीं, अमित शाह ने दिए निर्देश। इमरान खान के खिलाफ सेना अदालत में ही चलेगा मुकदमा, पाकिस्तानी गृह मंत्री ने कहा सारे सबूत हैं। अमेरिका पहुंचे राहुल गांधी, वास्तविक लोकतंत्र पर लोगों से करेंगे बात, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी प्रोग्राम। ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में कराया धर्म परिवर्तन, जब बेटा 5 वक्त घर से बाहर जाने लगा तो खुला राज। पहलवानों के समर्थन में आया यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, भारतीय कुश्ती संघ को बैन करने की दी धमकी। नेपाल के पीएम प्रचंड आज से भारत दौरे पर, ड्रैगन की कूटनीति सहित कई समझौतों पर लगेगी मुहर। साक्षी हत्याकांड में तीसरे किरदार की एंट्री, लगातार बयान बदल रहा साहिल। दिल्ली में पुराना किले से मिले 3000 साल पुरानी सभ्यता के निशान, G20 के देशों को दिखाने की है तैयारी। देश के रक्षा निर्यात में 9 साल में जबरदस्त 23 गुना उछाल, 85 देशों को बेच रहा हथियार। गोवा से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में यात्री ने क्रू मेंबर के साथ की मारपीट, बच्चा छोड़ भागना पड़ा, वहां औरत और गोश्त में ज्यादा फर्क नहीं, पाक से भागी मां की दास्तां। पीएम मोदी आज अजमेर के दौरे पर, पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के करेंगे दर्शन। अगले 4 दिनों तक 10 राज्यों में होगी बारिश, 11 दिन से रुका मॉनसून आगे बढ़ा, दिल्ली में 5 डिग्री कम दर्ज हुआ पारा। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही, और अब खबरें विस्तार से। पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। एमवीए गठबंधन की सरकार में फूट के बाद शिवसेना को लेकर खूब लड़ाई हुई। अब खबर सामने आई कि 22 विधायक 9 सांसद शिंदे की शिवसेना छोड़ना चाहते हैं, इसके बाद राजनीतिक गलियारों में खूब हल्ला मचा हुआ है। वहीं अब इस बयान पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस और शिंदे गुट के नेता शंभूराज देसाई का बयान सामने आया है। फडणवीस ने कहा है कि पूरा ठाकरे गुट असंतुष्ट है, जिस तरह का असंतोष वहां है वैसा और कहीं नहीं है। ग्रेटर नोएडा शहर के पॉश सेक्टर ओमेगा स्थित जस सोसाइटी में विदेशी नागरिकों द्वारा चलाई जा रही एक और ड्रग्स फैक्ट्री का स्क्वाड टीम ने किया भंडाफोड़। पुलिस ने मौके से 2 विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी, मौके पर ड्रग्स फैक्ट्री चलती हुई मिली है। 200 करोड़ की 30 किलो ड्रग्स मिली, छापेमारी अभी भी जारी। PS Beta 2 16 मई को भी DCP ग्रेनो की स्क्वाड टीम ने सूरजपुर से 300 करोड़ की 46 किलोग्राम ड्रग्स की थी बरामद। फिलहाल इतना ही, खबरें अभी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नव भारत टुडे। नमस्कार।